नमस्कार दोस्तों, आप सबके फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखें कि एक्चुअली एक बोर्ड आया है, मदर बोर्ड आपको आया है जो G61 का मदर बोर्ड है, ठीक है। और इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रहा है, हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमने मदर बोर्ड स्टार्ट किया, हमने दो दो डायग्नोस्टिक कार्ड लगा रखा है, एक ये वाला और एक लेटेस्ट वाला। तो थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, तो हम थोड़ा सा इसके पीछे वाला भी दिखा देते हैं। थोड़ा सा हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, और हम इसको निकाल देते हैं ताकि इस पे आपको दिखाई दे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लगा देते हैं ताकि आपको प्रॉपर सारा चीज दिखे, ठीक है। अभी आ गया यहाँ पे, फिर हम इसको अभी स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और लैपटॉप डेस्कटॉप प्रिंटर रिपेयरिंग कोर्स करने के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। देखिए, हमने इसको ऑन किया है, कोडिंग आ रहा है, और यहाँ पे देखें कि जो 3 वोल्ट स्टैंड बाई का लाइट तो जल ही रहा है, इसके साथ में जो मदरबोर्ड फॉल्टिंग है इसका भी लाइट जल रहा है। इसका मतलब कि आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है, किसी कारणवश इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें अब देखेंगे कि ये हमारा मल्टीमीटर है, DC20 पे है, इसमें एक्चुअली की देखिए ना कोर वोल्टेज बन रहा है यहाँ पे और ना GFX भी बन रहा, मतलब कोर वोल्टेज नहीं, सारा सप्लाई ओके है। मैं भी देखेंगे कि VTT ओके है, VCCSA ओके है, चीप ओके है, ठीक है, चीप वोल्टेज भी ओके है, ठीक है। रैम का वोल्टेज देखेंगे, ये भी आपका कोर वोल्टेज ओके है, ठीक है। मे भी बायोस पे भी आपको सप्लाई बन रहा है, तो नियर अबाउट लगभग सारे सप्लाई बन रहा है, स्टैंड बाई सप्लाई भी बन रहा है, तो लगभग सारे सप्लाई बन रहा है। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ये हम देखेंगे। तो किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इसका एक ट्रैक है ये गल गया था। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, इस साइड में ये ट्रैक है, यहाँ पे इस साइड का जो ट्रैक है ये एक्चुअली गल गया है, ठीक है। तो इस ट्रैक को हम करते हैं कि इसको हम पहले तो जम्पर लगाते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो कंटिन्यू बने रहिए, और इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा जम्पर लगा देते हैं। तो एक वायर हम यहाँ पे चिपका देते हैं, थोड़ा सा इसको निकाल देते हैं ताकि सोल्डिंग करने में इजी हो जाए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे साफ आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको ज्वाइंट कर देते हैं, दो ट्रैक को बनाते हैं, फिर इसको चेक करेंगे हम लोग। तो ये ट्रैक जुड़ गया है, ठीक है, ट्रैक जुड़, एक्चुअली हम इसको ज्वाइंट कर दिए हैं। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको पावर ऑन करते हैं, फिर देखते हैं कि सप्लाई हमारा बना कि नहीं बना। तो फिर हम इसको यहाँ पे लगाए, ठीक है, और इसको हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, सॉरी ये कनेक्टर हमने लगाना भूल गया है, तो इसको क्या करते हैं कि हम यहाँ से इसको लगा देते हैं। इसको मैं ऐसे लगा दिए, ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टैंड बाई वोल्ट बन गया है आपको देखेंगे यहाँ पे, और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए तो स्टार्ट हो चुका है, बट यहाँ पे जो दूसरा लाइट था मदरबोर्ड वाला, मदरबोर्ड का जो फॉल्ट दिखा रहा था वो आपका अब नहीं है, आके चला गया, इसका मतलब कि ये सप्लाई हो गया। अब चेक कर लेते हैं कि कोर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पे देखें कि कोर वोल्टेज बनना चालू हो गया है, ठीक है, यहाँ पे कोर वोल्टेज आपका बनना चालू हो गया है। और फिर से अब आगे देख लेते हैं GFX बन रहा है कि नहीं, तो मे बी GFX आपका नहीं बन रहा,
ठीक है, आपका जेफएक्स वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो चलिए एक बार हम क्या करते हैं कि प्रोसेसर को दूसरा बदल के देखेंगे, बाकी सारा सप्लाई सेम टू सेम आपको बन ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। बीटीटी भी बन रहा है इसका, तो चलिए एक बार हम इसका प्रोसेसर चेंज करके देखते हैं। ये भी हो सकता है प्रोसेसर भी ना सपोर्ट करे। तो पहले तो आपका जो हो रहा था कि आपका कोर वोल्टेज भी नहीं बन रहा था, जेफएक्स भी नहीं बन रहा था। अब क्या हो रहा है कि कोर वोल्टेज बन रहा है पर जेफएक्स नहीं बन रहा। तो हमारे पास ये वाला लगाए थे, अब ये वाला लगा रहे हैं, ये वाला हम लगा रहे हैं प्रोसेसर। इसको लगाए, ठीक है, फैन हम रख देते हैं इसके ऊपर, थोड़ा ठंडा रहेगा। ये आप लगे हुए प्लग इन स्विच, हम इसको लगा दिए, ठीक है। अब हम चेक करेंगे फिर ऑन करके कि जीएफएक्स बन रहा है कि नहीं, वीटीटी बन रहा है कि नहीं, क्योंकि वीटीटी तो सॉरी बन ही रहा है आपका, ये जो है कोर तो बन ही रहा है, जीएफएक्स नहीं बन रहा था। तो फिर हम इसको ऑन करते हैं, हमारा मदरबोर्ड ऑन हो गया है, ठीक है, बंद हुआ, फिर ऑटोमेटिक अपने आप चालू हो जाएगा, मे भी हो जाना चाहिए, आपका हो गया, ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे आपका कोर वोल्टेज बन रहा और आपका यहाँ पे देखेंगे कि जीएफएक्स भी बनना चालू हो गया, ठीक है, आपका जीएफएक्स वाला मॉस्फेट है। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका सप्लाई बन रहा है, मैं भी आपको ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं, ये यहाँ पे आपका ये सप्लाई है, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीमीटर पे देखेंगे कि मल्टीमीटर पे भी आपका कोर वोल्टेज बनना चालू हो गया है। तो मैं भी कोर वोल्टेज सारा सप्लाई होकर कोर वोल्टेज भी बनना चालू हो गया। तो चलिए एक बार हम डिस्प्ले लगा के देखते हैं यहाँ पे, अभी हम इस पर डिस्प्ले लगा कर देख लेते हैं कि हमारा डिस्प्ले आया है कि नहीं। तो मैं भी अब देखेंगे कि आपका कोडिंग क्या आ रहा है, 00, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि आपका डिस्प्ले आ गया है, इंटर पासवर्ड टू अनलॉक सिस्टम, पासवर्ड मांग रहा है। एक बार फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं, लगाइए, ये लग गया है, ठीक है। और सिस्टम को ऑन करते हैं, यहाँ से सिस्टम को ऑन किए, सिस्टम ऑन हो गया। डिस्प्ले पे हम देखेंगे डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं हमारा, तो ये भी आपका डिस्प्ले आ जाना चाहिए, बिल्कुल। तो हमारा सिस्टम रेडी हो गया है, ये आपका डिस्प्ले आ चुका है, कोडिंग 00 आ रहा है। तो मे भी 3.3 वोल्ट का जो मिसिंग था वो हो चुका है। मे भी तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोडिंग 00 आ रहा है और डायग्नोस्टिक कार्ड लगा के चेक कर रहे हैं, अगर 00 कोडिंग आ रहा है तो आपका सिस्टम डिस्प्ले नहीं आ रहा है। मे भी आप क्या करिए, कीबोर्ड लगा के चेक करिए, या आपके पास डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप तुरंत इसको लगाइए और तुरंत आप चेक कर सकते हैं कि आपका डिस्प्ले आ चुका है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। We'll be right back.